आपने बांग्लादेश वर्सेस इंग्लैंड के मैच में लगाया था, सारा पैसा आपने विड्रॉल मार लिया। जी, सारा पैसा मैंने विड्रॉल कर लिया। एक बार लीडर बोर्ड दिखाएंगे आप, लोग कैमरा भी ले लेंगे, ड्रीम इलेवन खोली ना वहीं से ले लेंगे। मैं निकाल दे रहा हूँ आप अपनी। अच्छा, टाइम लगेगा क्योंकि बहुत नीचे चला गया होगा, एक डेढ़ महीने, एक महीने हो गए ना लगभग। हाँ, ये 16 मार्च के दिन की बात है। ये बांग्लादेश वर्सेस इंग्लैंड ये वाला लास्ट है कितना तारीख का, 9 मार्च, 16 मार्च का था। बाकी ये गोपाल भट्ट जी का लीडर बोर्ड है जो आप देख रहे हैं, जो कि 14 मार्च को मैच हुआ था बांग्लादेश वर्सेस इंग्लैंड, आपको दिख रहा होगा। और ये जो कॉन्टेस्ट है इसमें इन्होंने टोटल कितने टीम लगाए था आपने? ये मैंने 9 टीमें लगाई थी, जिसमें कि जो इनका प्राइस पूल है ये 1,16,405 है। बाकी ये सारा इनका लीडर बोर्ड आप देख सकते हैं कि इनका जो टीम था, टोटल का टोटल टीम था ये इतना। पहला जो टीम था, 4 नंबर टीम रैंक किया था, जिसने 1 करोड़ रुपये दिए थे। उसके बाद 8 वाले ने 837 रुपये दिए थे, 6 वाले ने 500, उसके बाद सब एंट्री अमाउंट रिटर्न हुआ था। बाकी मैं दिखा दे रहा हूँ आपको कि इनका जो ये टीम था, 714 पॉइंट टोटल आए थे इनको। और ये इनका टीम था जिसमें विकेट कीपिंग सेक्शन में जॉस बटलर वर्सेस लिटन दास थे, और इन्होंने लिटन दास को कैप्टन बनाया था। उसके बाद एन हॉसिन थे, डेविड मलान थे, आर तेंदुलकर थे, उसके बाद साकिबुल हसन थे, मोइम अली थे, आदिल राशिद, टास्किन अहमद, क्रिस जॉर्डन और मुस्तफिजुर रहमान थे इनके टीम में। और जिसकी वजह से इनकी लक लगी और करोड़ों के मालिक बन गए। इसके बाद मैं थोड़ा सा इनका एक बार आपको विड्रॉलिंग सेक्शंस भी दिखा दे रहा हूँ। इन्होंने वो दिख जाएगा यहाँ से, ये विड्रॉलिंग सेक्शन है सर का, आप देख सकते हैं कि इन्होंने इस प्रकार से विड्रॉल किया है। पहली बार इन्होंने 1 लाख रुपए का विड्रॉल मारा था बैंक ऑफ बड़ौदा में, उसके बाद 4 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 50 लाख और 3 लाख करके टोटल इन्होंने अपना विड्रॉल मार लिया था। सारे पैसों का आपने उपयोग कर लिया जी। बाकी अभी इनके वॉलेट में मात्र 500 रुपये हैं और अभी भी खेल रहे हैं। तो अभी आप खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं? नहीं, अभी तो नहीं खेल रहा हूं मैं। नहीं खेल रहे हैं। IPL जो 2 महीने का पर्व है, इसमें 2-2 करोड़ के प्राइज आ रहे हैं, तो आप इसमें नहीं आ रहे हैं? अभी बीच में थोड़ा सा मैं बिजी भी था, कहीं बीच में काम से किया हुआ था, तो अब थोड़ा सा फ्री हुआ। ऐसे भी इसको लत की तरह नहीं खेलना है? नहीं, लत की तरह तो मैंने नहीं लिया, ट्राई किया, लक साथ दे दिया, बस अच्छा लगा। टोटल 9 टीमें थी। हाँ, टोटल। परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में मैं हूँ, मेरा बड़ा भाई है, माताजी हो गई, भाभी हो गई, वाइफ हो गई, बच्चे हो गए, 2 भतीजे हो गए, सब लोग हैं जी। दुकान चल रहा है जी। अच्छा, आप ज़्यादातर देखते होंगे कि विनिंग में ऐसे लोगों को मिलता है जिनको पैसे की बहुत नीड होती है, कैसा लगता है जब वैसे? पैसा तो हर इंसान को नीड है, पैसा आज की डेट में तो कहते हैं कि बहुत। जैसे ऑटो ड्राइवर जीत लिया, टेम्पो ड्राइवर जीत लिया, किसी को खाने के लिए नहीं पूछ रहे, उन लोगों ने जीत लिया, तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। हालांकि आपकी भी लक अच्छी है, आपने जीता, बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे, पैसे संभाल पाएंगे या नहीं संभाल पाएंगे? क्योंकि होता क्या है कि ऐसे लोगों को पैसे मिलती है तो उनको समझ में नहीं आता कि क्या कुछ करना है और पैसे को लूटा जाते हैं। हाँ, वो तो अब डिपेंड करता है कि आदमी पैसे का किस तरह से यूज़ कर रहा है। अच्छा, बट ये है कि अच्छा है कि जिन लोगों के पैसे की नीड होती है, उन लोगों को अगर ये प्राइस मिलता है तो अच्छी बात है। ये एक तरह से किस्मत है, भगवान का आशीर्वाद है उनके ऊपर कि उनको इतनी बड़ी अमाउंट मिल रही है, और वो हो सकता है कि वो अपने हिसाब से उसको पैसे को खर्च करें, जो उनकी ज़रूरत है उसको पूरा करके। किस तरह से करें जी? गोपाल भट्ट जी, मैं इतनी दूर से चल के आया हूँ, क्या लग रहा है कि मैं जो आपका इंटरव्यू चला रहा हूँ, ड्रीम इलेवन में मेरे को पैसे दे दिया, स्पॉन्सरशिप कर दिया क्या कुछ, या फिर मैं ऐसे आया हूँ? नहीं, ये आपने बताया था अपने बारे में कि आपका जो चैनल है वो आप अपने चैनल को प्रमोट कर रहे हैं और लोगों को दिखा रहे हैं कि अपने चैनल के माध्यम से कि कौन कौन ड्रीम इलेवन में जीत रहा है। ड्रीम इलेवन तो स्पॉन्सर नहीं कर रहा है, जैसा कि आपने बताया था। अच्छी बात है कि आप अपने उससे लोगों को दिखा रहे हैं, अच्छा चैनल आपका चैनल ये बहुत अच्छा काम कर रहा है कि लोगों को इंट्रोड्यूस करा रहा है कि कैसे वो जीते, उनके जीवन के बारे में बता रहे हैं आप कि कैसे वो काम करते हैं, क्या करते हैं। अच्छी बात है, समाज में एक संदेश जा रहा है, अच्छा संदेश जा रहा है, लोग इससे सीख रहे हैं। आपने जब जीता उसके बाद हमें लग रहा है कि आपका जो आसपास का 10-20 किलोमीटर का क्षेत्र है लोगों को पता चला होगा, और अभी लग रहा है कि ज़्यादातर लोग आ रहे होंगे ड्रीम इलेवन। जी, अभी भी लोग मेरे पर, कई लोग आते हैं जो बधाई देने के लिए आते हैं, वो कि हमें अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में हल्दूचौड़ एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भी ड्रीम इलेवन से एक आदमी जीता है, तो काफ़ी लोगों को पता चला इस क्षेत्र के बारे में और अच्छा लगा, ये क्षेत्र सब जगह चर्चा में आया। अच्छा, लोग इस पे आँख बंद करके टीम लगाने लगते हैं, 10-20, 20-20, 50-50 टीम लगाने लगते? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसे आँख बंद करके, अब जैसा आपने इससे पहले जो इंटरव्यू लिया था वो देखा मैंने, ये किस्मत ही कहेंगे, बहुत बड़ी किस्मत होती है जिसको खिलाड़ी के बारे में पता ही ना हो,
और वो टीम लगा रहा है और वो टीम जीत रही है, बहुत बड़ी किस्मत होती है। बाकी थोड़ा बहुत तो नॉलेज होनी चाहिए ना कि आपका विकेट बॉलर कौन है, बैट्समैन कौन है, और बाकी किस्मत तो खैर ही है। आप कितने टाइम पर ड्रीम इलेवन से? मैं पिछले मार्च से ही मैंने स्टार्ट करा था, मुझे एक साल, हाँ तो 2022 से मैंने खेलना स्टार्ट किया था और एक साल हो जाता है मुझे। टोटल डिपॉजिट कितना किया था आपने इसमें? लॉसेस भी हुए थे पहले? हाँ, मैं टोटल ये मान के चलिए जब तक मैं जीता नहीं था, तो जब फर्स्ट टाइम मैं, इससे पहले मेरी नवी रैंक आई थी तो पहले भी आता है। हाँ जी, उसमें मैं 1.5 लाख रुपए जीत चुका था। अच्छा, हाँ एक बार 1.5 लाख रुपए जीता, एक बार ट्रस्ट हो गया था कि नहीं ड्रीम इलेवन पैसे देते। हाँ नहीं, ये मैं पहले, मुझे जब शुरू में मेरे पे एक बार 500 रुपए 1000 रुपए आए तो मैं सोचता था बड़ी प्राइज मनी आती होगी, मैं सोचता था इसको कोई कंप्यूटर तो ऑपरेट नहीं करता है कि वो उस हिसाब से टीम बना रहा है या वो ऐसी टीम बना दे रहा है जो जो खिलाड़ी खेल रहे हैं। आपको भी लगता है कि ड्रीम इलेवन अपनी टीम डालती होगी कॉन्टेस्ट? नहीं, अब मुझे नहीं लगता, जब मेरे प्राइस निकल गए, अब मैं जैसे मैच देख रहा हूँ, पहले मुझे शक होता था जब मेरा प्राइस नहीं आता था, सिर्फ उस समय ये होता था विनिंग प्राइस ही आता था जो विनिंग हम लोग लगाते थे 49 रुपए, उस समय मैं सोचता था, कई मेरे दोस्तों ने भी कहा कि यार मुझे नहीं लगता है कि ये फेयर गेम है। अभी भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि ड्रीम इलेवन खुद की टीम लगाती है, खुद ही प्राइज रख लेती है, ऐसा कुछ? अब देखिए, अब लोग निकल रहे हैं और मैं खुद बन गया हूँ, तो मैं इस बात तो नहीं कहूँगा कि ड्रीम इलेवन ऐसा कर रही है। ऐसा नहीं है, आपने टीम आपने ली है और वो टीम आपकी खेली है, उन्हें रन बनाया, वो तो फेयर काम है, वो तो दिख रहा है। इतना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो गया क्योंकि अब एक एक कॉन्टेस्ट में डेड। हाँ, अब